पूरे रेड जोन की इस वक्त बिजली बंद कर दी गई है। बड़ी बड़ी इमारतें, उनमें से कोई रोशनी, कोई बत्ती, अगर कोई वहां पर रह भी रहा है तो वो भी, उसे भी ऑन करने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें तो काफिले, मजीद अवाम यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर सर्विलेंस है जी, हेलीकॉप्टर रहा है तो लोगों ने हेलीकॉप्टर से सर्विलेंस छुप कर फायर मारा, छुप कर रहा है, स्टेट फायरिंग हो रही है। आप आगे जाएं, वहां जाके देखें क्या हो रहा है। ठीक है, 50 घंटे, 100 घंटे, 15 दिन के लिए। ये मरकजी, ये जो कंटेनर है, आपका इनसे क्या मुतालबा है, आगे बढ़े? हम कंटेनर जाएगा, हम पीछे नहीं आएगा, आगे जाएगा, मर जाएगा, खींच जाएगा हम लोग का इमरान। हाँ जी, ये कंटेनर हम टी चौक पर खड़ा करके रहेंगे। ये आइए इस्लामाबाद को चैलेंज है हमारा। ये हमें धमकियों से डराते हैं, उसको बोलो कि पठान जब आता है तो पहले पंगने डाल कर आता है। रात के इस पहर हम डी चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर कारकुन, जो मरकजी कंटेनर है जहाँ पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठी हुई है, उन्हें ये सब कह रहे हैं कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आपने यहाँ पर नहीं रुकना जब तक। हालांकि डी चौक यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 5-7 मिनट अगर ये गाड़ी चलेगी तो ये पहुंच, ऑलमोस्ट डी चौक में ही है, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर है वहां पर ये पहुंच जाएगी। गाड़ी की लाइटें ऑन होगी और लोग यहाँ पर खुद नारेबाजी करके, शोर करके ये बता रहे हैं, नहीं हमने रुकना नहीं है यहाँ पर, हमने आगे जाना है और हमने आगे बढ़ना है। आप देखेंगे जो ये इसकी लाइट्स ऑन हुई है ट्रक की, तो लोगों ने यहाँ पर भंगड़े डाले हैं, लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया है और पूरे रेड जोन की इस वक्त बिजली बंद कर दी गई है, यानी ब्लू एरिया के। ये सिर्फ खाली बैंकों के बिलबोर्ड आपको नजर आएंगे, लेकिन इस तरफ की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनमें से कोई रोशनी, कोई बत्ती, अगर कोई वहां पर रह भी रहा है तो वो भी, उसे भी ऑन करने की इजाजत नहीं है। ब्लू एरिया की तमाम तर दुकानों की जो बिजली है वो भी मुकम्मल बंद करवाई गई है, चूंकि शेलिंग बहुत ज्यादा है और अभी भी ये नाक में और गले में महसूस हो रही है। लेकिन ये वो मरकजी कंटेनर है, फिर इसके पीछे हमने देखा कि काफ़ी सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो कि मौजूद है, सनम जावेद हैं, मुख्तलिफ और शख्सियात हैं जो कि इस काफिले के पीछे काफिले मौजूद हैं, वो भी अभी डी चौक की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे कई चीज़ें किस तरफ जाती हैं, लेकिन इसी दौरान बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये होती है कि इमरान खान का पैगाम आता है अडयाला जेल से, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खान ने जो अडयाला जेल से पैगाम भेजा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान बुनियादी तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं। बल्कि ट्रक चल पड़ा है जी, मरकजी जो कारवां है, काफिला है, वो चल पड़ा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जी अडयाला जेल से जो पैगाम भेजा है, खान का पैगाम ये है कि पाकिस्तानी कौम और तहरीक इंसाफ के कारकुन को सलाम जो अपने हुकूक के लिए खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि पुरान एहतजाज में शामिल हैं और मुल्क पर मुसलत माफिया के सामने हमारे मुतालबात यानी बड़े वाजे हैं और बड़ा सलाम है जो लोग यहाँ पर खड़े हैं। फिर खान साहब ने कहा कि मेरा अपनी टीम को भी पैगाम है कि आखिरी बॉल तक लड़ें, यानी आखिरी बॉल तक आपने खड़े रहना है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। फिर खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने हमारे वर्कर्स पर फायरिंग की और शेलिंग करके पुरम शहरियों को शहीद और जख्मी किया है, इसका हिसाब मोहसिन नकवी को देना होगा। शहरी ना सिर्फ पुरम थे बल्कि शेलिंग और फायरिंग करने वाले पुलिस और रेंजर्स को भी रेस्क्यू करते रहे, यानी कि जो पुलिस वाले पकड़े गए थे उन्हें भी शहरियों ने रेस्क्यू किया था। फिर उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों का मैं शुक्रिया खास तौर पर अदा करता हूं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं बल्कि फंड्स भी भेज रहे हैं, यानी पैसे वगैरह भी भेज रहे हैं। और फिर साथ खान साहब ने कहा बल्कि अपने अपने मुल्कों में भी तारीखी मुजाहरे उन्होंने किए हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स का भी शुक्रिया अदा किया खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात और पाकिस्तान में जारी जुल्म और सितम की भरपूर कवरेज सोशल मीडिया कर रहा है। अब जो आखिरी बात है खान साहब की, ये इंतहाई अहम है और ये इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की धमकियां देने वाले, यानी कि महसूस हो रहा है कि इसी दौरान खान को ये थ्रेट किया गया है कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करेंगे। तो खान ने कहा कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है, जो करना है कर लो, अपने मौकफ से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये खान साहब का जी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हुआ है, लेकिन अगेन जो खान साहब की मुलाकात हुई है फैसल फरीद साहब के साथ जो उनके वकील हैं, उन्होंने भी आकर एक ट्वीट किया है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि आज खान साहब की दाढ़ी फिर से बढ़ी हुई थी, खान की शेव बढ़ी हुई थी, और मैंने पूछा कि खान साहब आपकी शेव बढ़ी हुई है, सब चीज़ें ठीक है? तो खान ने कहा कि 36 घंटों से मुझे एक दफा फिर से कैद तन्हाई में रखा गया है। हमारा वो कहते हैं कि खान अज़म और हिम्मत का एक पहाड़ है, उन्होंने पूरी कौम को हुकूक के लिए खड़ा होने पर खराज तहसीन पेश किया है, वो डरेगा
ना झुकेगा इंशाल्लाह। ये तो ये खान ने बड़ा वादे पैगाम दिया है। साथ वो लिखते हैं, साथियों में कुछ देर पहले इमरान खान साहब से मिलकर निकला हूँ, जज ने झूठे मुकदमे में उनका 6 दिन का मजीद रिमांड दे दिया है जो कि काबिल मजम्मत है। मैं आज मुल्क मैं आज मलिक फैसल हसनैन और मुख्तलिफ जो लोगों के नाम हैं उन्होंने लिखे हुए हैं कि वो वहाँ पर मौजूद थे और वकला को भी घंटों इंतज़ार करवाया गया है। तो ये सूरत हाल जो कि हो रही है। अब यहाँ पर ये देखें तो काफ़िले मज़ीद आवाम यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई है और बड़ी तादाद में क्राउड दोबारा से यहाँ पर बिल्ड हो रहा है और ये डिमांड कर रहा है कि आगे बढ़ें, यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ें और आपने डी चौक की तरफ जाना है, हम इससे पहले रुकेंगे नहीं। रात की, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रात कैसे गुजरेगी? तो बिजली बिल्कुल बंद कर दी गई है और चलेंगे। हाँ, बगैर बिजली से बगैर पानी से रह सकता है 24 घंटे 50 घंटे 100 घंटे 15 दिन के लिए। जो ये मरकजी ये जो कंटेनर है आपका, इनसे क्या मुतालबा है, आगे बढ़े? हम आगे जाएगा, हम पीछे नहीं आएगा, आगे जाएगा, मर जाएगा, खींच जाएगा हम लोग का इमरान। हाँ जी, ये कंटेनर हम टी चौक पर खड़ा करके रहेंगे, ये आइए इस्लामाबाद को चैलेंज है हमारा। ये हमें धमकियों से डराते हैं, उसको बोलो कि पठान के बाद आए तो पहले पंगने डाल कर आता है। अच्छा ठीक है, ये जज्बा से हमारा कोई फर्क, बहुत आदमी हमारा मार लिया, उन लोगों 25 बंदे हमारा मारा है। खुद क्लिनिक में मेरे सामने, मैं खुद पुलिस क्लिनिक में था, मेरे पास ये वेडियो है, मेरे पास ये वेडियो है, इसको अभी मारा है, अभी मैं इसको ले गया हूँ, मैं इसको ले गया हूँ। ये बंदा, ये शूटिंग स्नाइपर से हुई, बंदूक की बंदूक से फायरिंग, स्नाइपर है, दो बिल्डिंग है उसे से आगे, सारे बिल्डिंग ये देखे ना, ये खुद देखे, नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ है, ट्वीट करें आप इस चीज को, गोलियां मार रहे हैं ना, दरीके से 3 बंदे मेरे सामने मर गए, पुलिस क्लिनिक में सीधे सीधे फायर मार रहे हैं बंदे। अच्छा, मेरे सवाद का एक लड़का था उधर पिम्स के साथ इधर मारा है, इधर उसको गोली मारी, 6 साल। हाँ जी, क्या फरमाएंगे? देखना यह क्या है, किस पे जुल्म कर रहे हैं, कौन लोग हैं, हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर सर्विलेंस है जी, हेलीकॉप्टर आया तो लोगों ने हेलीकॉप्टर से सर्विलेंस दिखाई जी, हेलीकॉप्टर से सर्विलेंस ही सारे पंजाब असेंबली उधर खड़े हैं, आप वीडियो बना दें। अच्छा जी, देखें ये अवाम इस वक्त भी, रात के इस पहर भी यहाँ पर बिल्कुल एक जज्बे के साथ यहाँ पर खड़ी है। और ये जी सर, प्रीमियर खान से रुकन पंजाब असेंबली। अच्छा, वो आज उन्हें क्या दिक्कत? प्लीज, हाँ, लीडरशिप बिल्कुल गायब है, 1 बजे से लोग यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, काफिला मूव कर गया, काफिला मूव करना शुरू हो गया जी, और आप ऊपर आएंगे मई, ये वो मैं खुद उनके पास आ जाऊंगा, थोड़ी देर सबर कर लूँ, मैं खुद उनके पास जाऊँगा। ये जी मरकजी जो जो मरकजी काफिला है जिसको लीड कर रहा है, ये जो ट्रक के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, इसने जो मूव ऑन करना शुरू किया है तो लोग बाकायदा से इसके साथ हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे हैं और ट्रक को आगे मजीद आगे मूव ऑन किया जा रहा है। तो बड़ी एक दिलचस्प किस्म की सूरत है, आज डी चौक में बनी हुई है, बिजली मुकम्मल बंद है, लेकिन जो जज्बा है वो बहुत ही ज्यादा है, जुनून बहुत ज्यादा है। और एक्सपायर शेल है, अभी तक घंटे पहले शेल मारे थे, अभी तक उसके असर है, लोगों की आंसू और नहीं रुक रहे, क्योंकि कितनी देर से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर? हम 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, फायरिंग आगे से जो शेले फेंके अभी तक उसकी, चले जी ट्रक ने हॉर्न बजा दिया है कि आगे चले, और ये फिर डी चौक की तरफ ये काफिला मूव करना शुरू हो गया। वो छुपी है आगे चौक में, डायरेक्ट उन्होंने पहले फायर मार रहे हैं। अच्छा, छुपकर फायर मार रहे हैं, छुपकर रात में स्टेट फायरिंग हो रही है, आप आगे जाएं वहां जाके देखें क्या हो रहा है। ठीक है, लीडरशिप से क्या, ये हमारी पुलिस और लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप से गुजारिश है कि वो फ्रंट से लीड करें, फ्रंट से लीड करें जी, बिल्कुल लीडरशिप बैठे हुए हैं। अच्छा, हम आगे से होके आए अभी, हाँ। कोई नहीं है, खाली हम थे, हाँ। लेकिन लीडरशिप पीछे, हमारी लीडरशिप कितनी वो नहीं तो है। ये आप फिर लीडरशिप को भी जाने देंगे फिर इस तरह से? जी बिल्कुल, हम उनके साथ है, वो हम लीडरशिप से गुजारिश है की वो फ्रंट से लीड करे, बाकी पीछे हम है। ठीक है, वापस जाना किस बात की, वापस वापसी है, वापसी का कोई नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अभी तक हमारा 14 बंदों को इसने मारा है, स्टेट फायरिंग की है, इसमें 4 बंदे इधर
जगह पे शहीद हुए और ट्रक चल पड़ा है। मरकजी जो मूवमेंट है वो शुरू, जो ट्रक चला है तो साथ ही शेलिंग शुरू करवा दी गई है और ये जो हमारे साथ कर रहे हैं जी, हवा का मूड इस टाइप ज्यादातर सारा दिन हवा ही रहता है, इसलिए हम जो हमारे साथ कर रहे हैं हम और अमन एहतजाज कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये हमारे साथ। अच्छा जी, ये मरकजी मार्च का काफिला डी चौक की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है इसने और ये हॉर्न बजा रहा है कि रास्ता छोड़ा जाए ताकि हम डी चौक की तरफ चले। मजीद डी चौक की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और काफिला डी चौक की तरफ बढ़ रहा है। ये वो काफिला है जो डी चौक की तरफ बढ़ गया है और अमामी समुंदर है जो कि इस मरकजी मरकजी जो मेन ट्रक है उसके साथ ये आगे बढ़ रहा है। फाइनल कॉल खान की तस्वीर है और इसने बिल्कुल मूव करना यहाँ से डी चौक से शुरू कर दिया है और पीछे अगर आप देखें तो हजारों लाखों की तादाद में अब जो सामने ये बिल्डिंग्स हैं जी और इनकी बत्तियां मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। सरकारी बिल्डिंग्स की प्राइवेट बिल्डिंग सब की बत्तियां मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। एहतियात से जी, एहतियात से। और आवाम आगे मूव कर रही है मैं ट्रक के साथ और ट्रक हॉर्न भी बजा रहा है और मैन ट्रक मैन बिल्कुल डी चौक की तरफ। ये वो बराह रास्त मनाजिर हैं कि जहाँ पर एक अवामी समुंदर है जो कि साथ साथ मूव किए जा रहा है और ये कारवां इस वक्त डी चौक के दरवाजे पर पहुंच चुका है बल्कि पार्लियामान के दरवाजे पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज़ के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।